नमस्कार, कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली पर आधारित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम अपने इस अंक में एक ऐसे ही खास विषय को शामिल कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है पर्यावरण सुरक्षा, समय की मांग। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रख्यात पर्यावरणविद, पानी राखो आंदोलन के प्रणेता श्री सच्चिदानंद भारती जी हमारे साथ उपस्थित हैं। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में। मैं पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और दूरदर्शन देहरादून को कि उन्होंने जीवन शैली कार्यक्रम में पर्यावरण जैसे विषय के महत्व पर मुझे आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर, आप पानी राखो आंदोलन के प्रणेता हैं, उत्तराखंड की शान हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर चुके हैं पर्यावरण से संबंधित। आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये खास तौर पर पर्यावरण सुरक्षा, जो आज के समय की मांग है, इस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम इसी बात से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा को किस तरह से समझें सरल शब्दों में, जिससे हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो जान सकें। बहुत बहुत अच्छा है आपने कहा, क्योंकि पर्यावरण जैसे विषय को या तो बहुत गंभीरता से लोग लेते हैं या बिल्कुल लेते ही नहीं। असल में क्या है कि पर्यावरण सुरक्षा का मतलब क्या है कि जो हमारी जीवन शैली है इसमें पर्यावरण का क्या महत्व है। और पर्यावरण का अर्थ होता है कि आप हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटक हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब के साथ हमारे जीवन का क्या संबंध है। आप सब जानते ही हैं कि भाई क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये तो हमारे जीवन के तत्व हैं। और पर्यावरण जैसा विषय शब्द को अगर हम ना भी देखें तो भारत की जो जीवन शैली है, सनातन की जो जीवन शैली है, हिंदू संस्कृति की जो जीवन शैली है और विशेषकर देवभूमि उत्तराखंड की जो जीवन शैली है, ये तो हमेशा पर्यावरण से जुड़ी हुई है। अब पर्यावरण विषय बहुत बाद में आया, लेकिन यहाँ के लोगों का रचने का, बसने का, जीने का जो आधार रहा है, उनकी भाषा में, उनकी बोली में, उनके पहनाव में, उनके खान पान में, ये हमेशा हमारे जीवन के वो तत्व रहे हैं जिन पर आज संकट दिखाई देता है। माने जैसे पानी है, जंगल है, घास है और शुद्ध भोजन है, हवा है, ये सब चीज़ें उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी और इन पर ही जीते थे। तो इसलिए पर्यावरण का महत्व सरल शब्दों में अगर हमें समझना हो तो ये समझना चाहिए कि अगर हम जहाँ पर हैं, अगर वहाँ चारों ओर हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारी हवा, हमारे पशु पक्षी, जीवन को जोड़ने वाले जितने भी तत्व हैं, अगर ये शुद्ध हैं तो हमारा जीवन शुद्ध है, और अगर ये गड़बड़ हैं तो हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ें शुरू हो जाएंगी या शुरू हो गई हैं, ये निश्चित है जी। ये महत्व है बिल्कुल। और इसी को लेकर के और इन्हीं विषयों को शामिल करते हुए सुरक्षा को करना, यही तो सुरक्षा का तात्पर्य है कि हम पर्यावरण को बचाएं। आज का जो वर्तमान समय है सर, उसमें हमने देखा है कि उत्तराखंड जैसा कि हमारे ये हिमालयी प्रदेश है, तो वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आप देखते हैं जो पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक हैं? देखो, पर्यावरण के लिए वर्तमान में हिमालयी क्षेत्रों में अगर विशेषकर हम देखें, विशेषकर हम अपने उत्तराखंड में देखें, देवभूमि उत्तराखंड हो या हिमालय राज्य सारे हों जी, इन सब राज्यों में कभी कभी तो भगवान ने कहा कि मैं स्थावरणानाम हिमालय, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिरताओं, स्थिर पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। बिल्कुल। अब देखो, हिमालय क्या हो गया, आपदाओं का नाम हो गया। रोज कोई ना कोई आपदा यहाँ पर रहती है, कभी बादल फटते हैं, कभी भू धसाव होता है, इस तरह की कई घटनाएं अब रोजमर्रा की हो रही हैं। इन सब के पीछे देखो, अगर हम देखें तो कुछ दो प्रकार के कारण होते हैं पांडे जी। एक तो ये होता है कि जो प्राकृतिक है, जैसे माना भूकंप आ रहा है तो ना आपको जानकारी है ना मुझको जानकारी है। एक ये होता है कि मानव जनित कारण, यानी हमने जान बूझ करके ऐसी योजनाओं को वहां पर खड़ा किया कि जिसमें हमने ये सोचा कि हम यहाँ की प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे केदारनाथ जी की घटना घटी थी 15-16 जून को 2013 में, तो वहाँ पर इतनी छोटी सी जगह, उस दिन 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ थे,
कोई इतनी बड़ी आबादी का प्रबंध करने वहां पर हो ही नहीं सकता। तो अनियंत्रित जब कोई कार्य हम करते हैं ऐसी सुंदर जगहों पर, इसको देवभूमि कहा गया ना, बिल्कुल, तो देवभूमि का तो अपने एक स्वभाव है, यानी बहुत ही संवेदनशील होकर रहने की जरूरत। जब हम संवेदनशील होकर नहीं रहते हैं तो वहां पर प्रकृति में विपदाएं आ जाते हैं। तो हिमालय के प्रति जो आपका प्रश्न है कि हिमालय के प्रति कहां सावधान होने की जरूरत है, पहली सावधानी होने की जरूरत है कि हम उसके प्रति जो उसका स्वभाव है, जो सदियों से उसने अपने जीने का आधार बनाया, हिमालय ने भी तो अपना आधार बनाया है जीने का, तो उसके आधार को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसको बचा के रखना चाहिए। दूसरी जो हमारी जरूरत होती है वो ये है कि हिमालय वासियों को जिंदा रखना, यानी हिमालय के जो लोग हैं जिन्होंने सदियों से उसके साथ जीना सीखा, जिनका भोजन, जिनका पानी, जिनका तरीका, जीवन शैली जिनकी हिमालय के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल वो हिमालय को जानते हैं कि किस मौसम में हिमालय के फूल तोड़ने चाहिए, कब नहीं तोड़ने चाहिए, कब यहाँ उनके गीत संगीत नृत्य कला खान पान सब हिमालय से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, और वो मौसम के अनुसार जुड़ा हुआ है जी। तो वो सारी चीजें अगर खत्म हो गई, वहां का वो आदमी खिसक गया, वहां के वो लोग खिसक जाए, और तब वो लोग जाए वहां जिन्होंने हिमालय को कभी जिया ही नहीं, जिन्होंने समझा ही नहीं, तो उनको तो पता ही नहीं है कि हिमालय के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो ये संकट आ जाता है। इसलिए हमारे पास दो प्रकार के जो समाधान है सुरक्षा के, वो पहला यही है कि हम हिमालय के व्यवहार को समझें, और दूसरा है कि हिमालय वासियों के वहाँ जो जो उनके स्थान है हिमालय वासियों के, हिमालय वासियों को भी बचा के रखें, यानी हिमालय को बचाना भी उतना जरूरी है जितने हिमालय वासियों को बचा के रखना, वो खिसक जाएंगे सब के सब तो हिमालय भी नहीं बच पाएगा ना जी। और पर्यावरण का निर्माण तो हम सभी और ये सारे के सारे जो कारक हैं घटक हैं इन्हीं चीजों से तो पर्यावरण का निर्माण होता है। निश्चित, बिल्कुल निश्चित जी। पर आज के समय में जिस तरीके से बहुत सारे कारक उत्पन्न हो रहे हैं, हानिकारक कारक आ रहे हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो पर्यावरण के घातक सिद्ध हो रही हैं, और आज जो मानव की जो भूख है बहुत ज्यादा कुछ करने की, चाहे औद्योगिकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है, ये बहुत सारी चीजें आज आ रही हैं हमारे सामने। तो जिस तरीके से आपने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, पानी राखो आंदोलन, और प्रणेता आप उसमें हैं, तो इस पर हम जरा आपसे जानना चाहेंगे, इस पर आप जरा प्रकाश डालें कि इससे कितना ज्यादा जो हिमालय को बचाने या पर्यावरण को बचाने की जो चीजें वो सामने आई हैं सही तरीके से। नहीं, दो 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 बातें पूछ ली ना आपने। एक तो ये पूछ लिया आपने कि जो हमारी भूख है, बिल्कुल, जो हमारी करने की भूख है, बिल्कुल, या पानी की भूख है, तो जो भूख है उसका बढ़ना अति बढ़ना ठीक नहीं है, यानी कि अगर हमने हिमालय में जो पहले के लोग थे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जंगलों का उपयोग करते थे, वो कोई जंगलों की तस्करी तो नहीं करते थे, वो जंगलों का निर्मम कटान तो नहीं करते थे, वो छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करते थे, कोई बहुत बड़े बड़े बांधों का निर्माण तो नहीं करते थे, माने उनकी अपनी आवश्यकता थी उसका उसकी पूर्ति वो करते थे। अब देखो हम कोई अपने नए नए ज्ञान के साथ वहां गए, हमने नए नए ज्ञान को वहां पर रखने के और वो ज्ञान को हमने अधिक से अधिक मुनाफे के कारण वहां थोपना चाहा है कि इसमें अधिक मुनाफा होगा। तो जो देखो धरती हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, कहीं की भी धरती हो, लेकिन वो हमारे लालच की पूर्ति नहीं करती, बिल्कुल, बहुत सुंदर है ना। हम अगर उसमें अधिक से अधिक लालच का मन बना करके काम करेंगे तो फिर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता। अब इसीलिए हमारे यहाँ पानी का, जंगल का और शुद्ध भोजन का संकट आया है। हमारी जीवन शैली में जो पहले मोटे अनाज होते थे, भाई हमारी तो हम तो बीमारी नहीं होते थे, जैसे पंजाब में आपने सुना होगा कि भाई वहाँ कैंसर की ट्रेन चलती है, बट तो कोई उत्तराखंड में थोड़ी चलती थी। उत्तराखंड के लोग शुद्ध खाना खाते थे, शुद्ध पानी पीते थे, शुद्ध हवा में रहते थे, तो 90-100 साल तक स्वभावतः ही जीते थे। तो वो है पर्यावरण। तो अगर पर्यावरण की सुरक्षा का अर्थ है कि हम पूरी तरह से उस जीवन की ओर लौटें जो हमारे बुजुर्गों ने वहां पर जिया, पर वो तो लौटना संभव नहीं है। आपने पूछा कि क्या पानी राखो आंदोलन से ये संभव है, लेकिन पानी राखो आंदोलन तो एक छोटे सा घटक है पानी का, और पानी का मुझे ये लगा पांडे जी कि पानी के काम से जीवन के काम जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि देखो धरती पर पहले पानी आया है ना, और पानी से धरती की उत्पत्ति हुई। तो जब जो चीज जो घटक परमात्मा ने पहले दिया उसकी महत्व प्रथम जरूर है, प्रथम अवस्था में। अगर आपने पानी, आपके यहाँ पानी ठीक है
तो आपके यहाँ पेड़ भी ठीक होंगे, घास भी ठीक होगी, घास ठीक होगी तो दूध वगैरह का प्रबंध, साग सब्जी का प्रबंध भी ठीक होगा, तो जीवन को लौटाता है। हम तो हमारा तो बहुत छोटा प्रयोग है, हम एक आदमी का प्रयोग या एक छोटे से इलाके का प्रयोग, लेकिन इसके परिणाम अच्छे आए इसलिए इसका जिक्र लोग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे उत्तराखंड में पानी के काम पर समाज पहले से भी रहा है, और इसमें आपने सुना होगा नौला, विशेष करके नौले का जो काम है, यह अद्भुत रचना है उत्तराखंड की, ये पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर है पानी के संरक्षण। बिल्कुल। जो नौले हैं, और चंपावत का एक हथिया नौला तो लगभग 1500 साल पुराना है। 1500 साल से कोई पानी की रचना टिकी हुई हो, बिल्कुल, वो समाज कितना मजबूत रहा होगा। पर बीच का एक ऐसा दौर आया कि जब हम अपनी इन रचनाओं को, चाल खाल की रचनाओं को, नौला धारे बनाने की रचनाओं को भूल से गए, तो तब ये पानी राखो आंदोलन ने इस छोटी सी याद को दिलाने का काम किया, और हमने छोटी छोटी चाल खाल बनाए, जल तलैया बनाई, उनसे वहाँ का सूखने का जो कर्म था स्रोतों का वो घटा है, और कई जगह तो पानी के स्रोत लौटे भी हैं जी। और जल है तो जीवन है, जैसा कि आपने अभी बताया भी है। उद्योगों द्वारा जो पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का, और एक बुरा असर देखने को मिल रहा है, तो इसको किस तरह से कम कर सकते हैं? ये एक बहुत ही एक ऐसी परेशानी है जिसका समाधान हर कोई ढूंढता है, लेकिन हमेशा से इसका उत्तर नहीं मिल पाता है कि जो उद्योग भी बढ़ना जरूरी है, हमें अगर आगे बढ़ना है, हमारी जो उन्नति होनी है उसके लिए उद्योग धंधे तो जरूरी है ही, लेकिन पर्यावरण पर इनका बुरा असर ना पड़े इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ अगर आपके विचार हो जी। मेरी दृष्टि में तो इसका विचार ये है कि भाई पर्यावरण युक्त उद्योग होने चाहिए जी, क्योंकि हम ऐसे उद्योगों को अगर चाहें तो पर्यावरण युक्त का मतलब ये हुआ कि जैसे उद्योग का सबसे बड़ा कचरा दो प्रकार का है, एक तो नदी में जो कचरा जाता है एक ही है, और एक जो आकाश में हवा में उसका धुआं आता है दूसरा ही है। बहुत से जगहों पर इस बात का बड़ा भारी अध्ययन हुआ है कि अगर उद्योग में ठीक से काम हो, ठीक से मशीनों का उपयोग हो, ठीक से उनकी तकनीकी हो, जो तो जो उनका धुआं जो कार्बन गैसें हवा में छोड़ते हैं, तो इसकी मात्रा बहुत घटाई जा सकती है, यानी काले धुएं की जगह सफ़ेद धुआं वो शुरू कर सकते हैं। नदियों में जो वो पानी डालते हैं, तो इसके लिए भी बहुत मुल्कों ने उद्योगों के ऊपर काम किया है। अब उद्योग तो आप ठीक कह रहे हैं कि भाई उद्योग तो हमारी आवश्यकता है, माने हमें कपड़े पहनने हैं, कई चीज़ें जी, क्योंकि हम तकनीकी के ये ऐसे दौर में चले गए हैं कि जहाँ से लौटना संभव नहीं है, पर इस तकनीकी के साथ ही हमारा पर्यावरण बना रहे ये जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सुंदर जी। तो इसी के ऊपर काम होना चाहिए हमारे तमाम जो विश्वविद्यालयों को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, तमाम जो हमारे IIT हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, ये सारे के सारे सब जो इनमें शोध कार्य हैं, तो यूनिवर्सिटीज के में को भी इसके ऊपर लगना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ी इन गंभीर विषयों के ऊपर सजग रहे। बिल्कुल जी। और समय समय पर कार्यक्रम भी सरकार के माध्यम से और तमाम तरह की इस तरह से एक सोशल मीडिया के अवेयरनेस के माध्यम से भी बताए जाते हैं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के उसके महत्व के बारे में जानकारी को साझा समय समय पर किया जाता है। इस पर अब हम बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा विषय पर्यावरण सुरक्षा है, उसके सभी घटकों को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पेड़ पौधे, जल जंगल जमीन, जैसे कि हम शुरुआत से ही बात करते आ रहे हैं, तो पेड़ पौधों का जो और वनों का जो पर्यावरण का महत्व है वो सभी जानते हैं, लेकिन इसके कटाव को किस तरह से रोका जा सकता है, और ख़ास तौर से अगर हम डेवलपमेंट के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों का कटाव भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, आपसे ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, तो ये किस तरह से आप देखते हैं इन चीज़ों को, पेड़ पौधों वनों का जो पर्यावरण पर प्रभाव है जी? पांडे जी, तीन चीजें हैं, पेड़, पानी, पॉलीथिन जी, ये एक तरह से हमारे पर्यावरण के उपकर्म हैं, घटक हैं। तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ें अगर होती हैं तो पर्यावरण असुरक्षित हो जाता है। बिल्कुल। पॉलीथिन भी कम खतरनाक नहीं है, और सिंगल यूज पॉलीथिन तो बहुत ही खतरनाक है जी, और ये धरती को किस तरह से खत्म कर रहा है, इसकी गंभीरता, इस पर तो अलग से ही कोई एपिसोड हो सकता है। बिल्कुल। अब जब अब रहा पेड़, और पेड़ का जो आपने प्रश्न किया कि पेड़ों का कटना, आपको आप देखो पेड़ आप तो धीरे धीरे बहुत कम कटते हैं, इसलिए कटते हैं कि लोग फर्नीचर में, घर बनाने में पेड़ों का इस्तेमाल लगभग नगण्य जैसा हो गया,
एक तो लकड़ी बहुत महंगी है, तो बड़े बहुत बड़े लोग ही लगा सकते हैं, और दूसरे में जो लोहा है वो बड़ा सस्ता है, उसको कोई दीमक इत्यादि भी नहीं चाटता, और लोहे का प्रयोग लोग बड़ी बड़ी मात्रा में मैं देख रहा हूँ कि घरों को बनाने में करने लगे हैं। लेकिन जंगलों को जो सबसे, जैसे उत्तराखंड के जंगल है, उत्तराखंड के जंगलों को जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो आग से होता है। बिल्कुल, हर साल आग लगती है, उसमें बड़ी मात्रा में हमारी नई पौध जल जाती है, कई पुराने पेड़ भी जल जाते हैं, कई ऐसे जंगलों में भी आग लग जाती है जो बहुत दुर्लभ होते हैं, यानी बांज के, बुरांस के, उतीस के, अखरोट के, है ना, ये तिलौंज के, चमखड़ी के, ये ऐसे वन हैं जो मोरू, खरसू, देवदार, रासल, जिनको उगने में सालों लग जाते हैं, लेकिन नष्ट होने में तो बहुत कम समय होता है। तो ये प्रवृत्ति रोकी जाए, यानी जो बचे हुए जंगल हैं उनको बचाना, और जो खाली जगह हो चुकी है उस पर जंगल लगाना। अब सरकारों का जो आपने कहा, सरकार देखो, सरकार पूरा काम करती है, वो जंगल भी बचाती है, जंगल भी लगाती है, लोकतंत्र है ना, तो लोकतंत्र में सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार सारा काम करती ही करती है जी। लेकिन जब तक उसमें पूरे राज का अपना काम है, लेकिन समाज का भी अपना काम है, अगर राज और समाज दोनों किसी काम में जुड़ जाएं तो उसकी सफलता आएगी जी। अगर वो अलग अलग चल रहे हैं तो कठिनाई हो जाती है, थोड़ी सी उतनी परिणाम देर से आते हैं या नहीं आते हैं जी। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, जो क्लाइमेट चेंज आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हम भी देखते हैं मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जहां एसी कूलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, आज वो दौर वो समय आ गया है कि हम उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जो जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है, क्योंकि ये पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका समाधान और इस पर सुझाव अत्यंत आवश्यक है, तो जलवायु परिवर्तन की जो हो रहा है इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कुछ खास कर सकते हैं या कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम जलवायु के परिवर्तन को एक सकारात्मक रूप दे सकें जी। जलवायु परिवर्तन तो अब देखो, एक तो वैश्विक है जी, सांसारिक है, मतलब जलवायु परिवर्तन सांसारिक है, सांसारिक समस्या है ये। लेकिन अब क्या है कि देखो, कुछ इसके परिणाम दुष्परिणाम किस तरह से आते हैं पांडे जी, हमारे यहाँ पर मौसम, जैसे आपके आकाशवाणी की एक गुणवत्ता है, एक माना जाता है कि इसमें कार्यक्रम जो भी आएंगे काफ़ी ठोक पीट के आते हैं, ऐसे ही जी अपने जो मौसम विज्ञान विभाग है इसकी, इसके ऊपर भी अब लोगों का बहुत भरोसा है, लोग उसकी सूचनाओं को देख करके छतरी लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं, इस तरह का इतना भरोसा है, इतना अध्ययन है उनका। तो उसके वैज्ञानिकों की एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है कि 1975 तक हमारे देश में जो बरखा थी, बारिश थी, वो ठीक थी, लेकिन 1975 के बाद ये धीरे धीरे घटती गई, और जब से चौमासा बोला जाता है ना, चौमासा जीवन शैली में चौमासा है जी, तो अब चौमासा केवल 46-47 दिन का होता है। आपको पता बरखा के दिन कितने घट गए हैं, यह है जलवायु परिवर्तन का असर। और अगर इस तरह से हुआ पानी के दिन, अब एक दिन में या दो दिन में या एक हफ्ते में इतना पानी बरक गया कि जो चार महीने में बरकता था, तो वो तो तहस नहस ही करके जाएगा ना जी। वो तो इसीलिए बादल फटने की घटनाएं आप पिछले कुछ सालों से सुनते होंगे, आज वहां फट गया, आज वहां, बरखा होने का मतलब बादल फटना, ये कैसे हो गया, ये जलवायु परिवर्तन है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन का अर्थ है धरती को बुखार आना, यानी धरती का टेम्परेचर, जैसे हमारा 98.  कुछ टेम्परेचर है मनुष्य शरीर का, जरा सा बढ़ेगा 100 डिग्री हो जाएगा तो बुखार हो जाएगा। बिल्कुल, तो धरती का बुखार, तो धरती का बुखार का मतलब है तापमान का बढ़ना जी। तो तापमान बढ़ता है कार्बन से और घटता है ऑक्सीजन से, तो हम छोटे छोटे ऐसे काम कर सकते हैं केवल, और वो कर सकते हैं हम पेड़ लगाना जी। तो जो कार्यक्रम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अपना कार्यक्रम चला रहे हैं कि भाई पेड़ देश को बचाना है तो पेड़ लगाने जरूरी हैं। बिल्कुल, और आप हर आदमी एक पेड़ लगा, एक पेड़ या 422 पेड़ चाहिए एक व्यक्ति के लिए, और हमारे देश में केवल 28 पेड़ है, तो जलवायु परिवर्तन का असर तो हम पे होगा ही होगा, तो चलो कम से कम 50 तक भी ले जाए हम उस संख्या को, कुछ तो करें जी। छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो समस्या है ये समस्या नहीं रहेगी, इसका धीरे धीरे समाधान भी होता चला जाएगा जी।
प्लास्टिक, जैसा कि आपने बात भी की अभी पॉलीथीन की, तो प्लास्टिक और इसका जो प्रयोग है, हालांकि अब बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आ गए हैं जिसमें प्लास्टिक के प्रयोग को बिल्कुल खत्म करने की ओर हम प्रयासरत हैं और हमने ये किया भी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो हानिकारक तो है ही, इसको किस तरह से कम करें? देखो, इसके लिए पॉलीथीन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, पर अभी एक नया कार्यक्रम लोगों ने खोजा है और उसमें बहुत सारे हमारे लोग भी काम कर रहे हैं, वो है इको ब्रिक बनाना। यानी एक प्लास्टिक की बोतल में सिंगल यूज पॉलीथीन को, देखो पॉलीथीन जब घर, पहले तो घर में आना बंद होना चाहिए जी, आ लाओ ही मत, सब्जी के लिए थैले वगैरह लेके जाओ, जो हमारी पुरानी ये जीवन शैली है ना, बिल्कुल हमारी पूरी पहले की जीवन शैली में प्लास्टिक था ही नहीं, बिल्कुल हम ले आए। तो जीवन शैली का असली अर्थ यही हुआ कि हमने पहले, हम पर्यावरण के लोग थे, पर्यावरण के साथ जीते थे, अब हमने गड़बड़ पैदा कर दी। तो इसी के लिए ये आज की वार्ता है जी, कि भाई जीवन शैली सुंदर हो, सरल हो, सरस हो, पर्यावरण युक्त हो, तो वो आप प्लास्टिक को उसमें भर देना बोतल जी, में जी। तो एक एक अगर एक लीटर की प्लास्टिक की बोतल है तो उसमें करीब 2 किलो करीब प्लास्टिक सिंगल यूज पॉलीथीन आ जाता है, 2 किलो करीब। अब आप सोचो कि कितना ठूस ठूस करके अगर आपने उसमें भरा है तो इतना पॉलीथीन उसमें आ जाता है। वो उसको बोलते हैं इको ब्रिक, यानी ईंट, प्लास्टिक की ईंट बन गई हो। वो लोगों ने बहुत यहाँ पर भी बनाई हैं और कई पार्कों में लगाते हैं, कई दीवार में लगाते हैं, कई सड़क बनाने में लगाते हैं। तो इससे अगर एक एक किलोग्राम आपने पॉलीथीन अगर बचा दिया ना, तो आपने करीब 1 वर्ग मीटर धरती को आप बचा देते हैं। बिल्कुल जी, और ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आजकल बहुत सारे कार्यक्रम में लोगों ने जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया है, इन चीज़ों को शामिल किया है, तो हम निश्चित रूप से पॉलीथीन का यूज़ कम हो रहा है और हम पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित अधिक से अधिक कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण की अब हम बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से आजकल सोलर एनर्जी को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और बहुत सारे सोलर एनर्जी प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं, समय समय पर सरकार की तरफ से भी इन्हें प्रमोशन मिल रहा है, तो उस ऊर्जा संरक्षण के महत्व और इसके तरीकों पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो समस्त हिमालय में भ्रमण करते रहते हैं, हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में जाते रहते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, तो अगर हम ऊर्जा संरक्षण की बात करें। जी सर, ऊर्जा संरक्षण, पांडे जी देखो, ऊर्जा संरक्षण हमारी घरों में होना चाहिए जी। घरों में माने सौर ऊर्जा कोई लगा देते वो तो ठीक है जी, पर हर कोई तो नहीं लगा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बिजली आज लगभग सब जगह पहुंच गई है, अब आप माने एक कमरे में बैठे हैं लेकिन 3 कमरों में आपकी लाइट जल रही है, अरे भाई वो दो बल्ब बंद कर दो। अगर आपको इसी प्रकार से कहीं एक जगह पर अगर आपका वो RO वगैरह शहर में, जैसे RO ये भी हैं, इनकी अब जरूरत नहीं है, 500 तक का पानी आप आराम से पी सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और बिजली की बचत, जैसे ये LED बल्ब लगाने से हुई, ऐसे फालतू में जो बल्ब जल रहा है, TV दिन भर चल ही रहा है, मोबाइल का चार्जिंग का पॉइंट दिन भर चल ही रहा है, तो ये छोटी छोटी बचत जो हम अपने घरेलू में जीवन में कर सकते हैं, हम अपनी जीवन शैली में कर सकते हैं, इसको करके हमें तो इसके परिणाम बड़े चौंकाने वाले आएंगे। अगर हर घर ने भी 1 यूनिट बचाई तो आप देखो 140 करोड़ लोगों के कम से कम यहाँ 70-80 करोड़ घर होंगे, तो 70-80 करोड़ यूनिट बिजली बचेगी। बिल्कुल। तो ये ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। मैंने कई घरों को देखा, घर के अंदर कोई नहीं होता, सब पंखे चल रहे होते हैं, बिजली चल रही होती है, वहाँ अंदर कोई भी नहीं बैठा हुआ है जी। तो ये बड़ा अपव्यय है, तो इसको जीवन शैली में उतारने की जरूरत है जी। ऊर्जा की बचत को, ऐसे ही पानी की बचत को, ऐसे ही हवा के प्रदूषण को, और ऐसे ही पॉलीथीन को हटाने के लिए जी। ये जो आपने एक एक घटक पूछे हैं जी, ये ऐसे उतरने चाहिए जीवन में। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। और जिस तरीके से हम देखते हैं ये सारी चीजें जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और हमारा जो पर्यावरण, जैसे कि अभी मैंने कहा भी कुछ देर पहले कि पर्यावरण से ही हम हैं, हमसे ही पर्यावरण है, जल, जंगल, जमीन, इन सभी का संरक्षण बहुत जरूरी है। कचरे के मैनेजमेंट पर हम बात करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। जो घरों में हम लोग देखते हैं जो कचरा है, अब गीला कचरा अलग करें, सूखा कचरा अलग करें, और बहुत सारे पर्यावरण मित्र भी हैं जिनके माध्यम से इस तरीके के नए नए सुझाव भी प्राप्त हमें होते हैं। ऐसे में आपकी दृष्टि में कचरे का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से घरों में करना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, और खास तौर से जो पर्यावरण में जो कचरे का विभाजन है वो सही तरीके से हो सके, उसका मैनेजमेंट जी? बिल्कुल, कचरे का विभाजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि
ये जो सूखा कचरा, गीला कचरा, इसके अलावा ई कचरा भी है ना आजकल, जो ई कचरा बहुत खतरनाक है, तो ये सब अलग अलग तो रहने चाहिए। लेकिन जो मैंने कई घरों को देखा पांडे जी कि वहाँ से कोई कचरा पैदा ही नहीं होता जी, वो भोजन इतना बनाते हैं कि उनके घर में वेस्ट नहीं होता भोजन बिल्कुल। ऐसे भी मैंने बहुत घर देखे जी। और ऐसे भी घर देखे मैंने कि उनके यहाँ से रोज के 10-15 रोटी उतनी खाते नहीं हो जितनी रोटी बाहर फेंकते हैं, आटा बाहर फेंकते हैं, राशन पानी की खत करते हैं और वो जहाँ तहाँ गिरा देते हैं जी। ऐसे लोगों को चाहिए, ऐसे लोग जो संपन्न समाज के लोग हैं भाई, महाजनों ये न गतो सपन्तना, संपन्न समाज की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने पर्यावरण की जो जीवन शैली हमारे बुजुर्गों ने तैयार करी उसके उसको अपने परिवारों में संस्कार के रूप में रखें। हमारा संस्कार पर्यावरणीय संस्कार है, बिल्कुल हम पर्यावरण से ही जाने जाते हैं। हम विशेषकर देवभूमि के लोग तो पर्यावरण के लिए ही जाने जाते हैं। यहाँ आदमी शांति के लिए आता है, यहाँ आदमी उद्योग लगाने के लिए थोड़ी आता है जी, शांति की खोज जी। आपने हिमालय की बात की, देवभूमि की बात की, हिमालय की जो नदियाँ हैं, जो तालाब हैं, जो नदी नाले हैं, इन्हें किस तरीके से हम सुरक्षित करें, संरक्षित करें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी, और आज की पीढ़ी भी इसका प्रयोग अच्छे से कर सके, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी हम इन चीज़ों को संरक्षित करके रख सकें। तो नदी नालों में जिस तरीके से औद्योगिक कचरा है या बहुत सारी चीज़ें हैं, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि अभी हमने बात भी करी, तो आप किस तरह से देखते हैं इस परेशानी को, जो हमारी नदियाँ हैं पहाड़ की, हिमालय की, इन्हें किस तरीके से हमें नियंत्रित और प्रबंधित करने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। और देखो, नदी के बारे में भी हमारा समझना उतना ही पुराना है जितना वेद है। अथर्ववेद में एक पूरा नदी सूक्त है, अथर्ववेद में नदी सूक्त है पूरा, उन नदियों के बारे में हमें समझाता है। अब आप सोचो कि जो समाज इतने पुराने जमाने से अपनी नदियों के रख रखाव के लिए, उनकी पवित्रता के लिए काम करता रहा हो, वो कैसे इन नदियों को अब केवल हाथ जोड़ने तक रह गया। हम गंगा जी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कचरा फेंक के आ जाते हैं, क्योंकि अब ऐसी जीवन का जो हमने एक स्वरूप बना दिया। तो आपका जैसे ये कार्यक्रम है, इससे जाना चाहिए, नदी का जन्म होता है। देखो, नदी हमारी माँ है जी, पर नदी की भी तो कोई माँ है जी। तो नदी की माँ कौन है? हमारे जंगल हैं, हमारे तालाब हैं, हमारे वो गाढ़ गदेरे और स्रोत हैं जिनसे नदी बनती है जी। तो उन सब की रखवाली होनी बहुत आवश्यक है जी। आपने इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही सुंदर बातें आपने पर्यावरण से जुड़ी हुई की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी दूरदर्शन देहरादून का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिसमें आज हमने पर्यावरण सुरक्षा पर बातचीत की। हम आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।